हरिद्वार और ऋषिकेश में कांवड़ यात्रा का महत्वपूर्ण स्थान है। सावन माह की शुरुआत हो गई है। हर साल की तरह इस साल भी लाखों श्रद्धालु गंगा नदी से पवित्र जल लेकर अपने स्थानीय शिव मंदिरों में अर्पित करने के लिए यहाँ से जल ले जा रहे हैं। विभिन्न प्रकार की कांवड़ जैसे डंडा कांवड़, झूला कांवड़ और बैकपैक कांवड़ शहर की सड़कों पर दिखाई जा सकती हैं। वहीं इन रंग बिरंगी कांवड़ के बीच एक कांवड़ जो सभी का ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर रहा है वो है 50 रुपए के नोटों से सजा कांवड़। कांवड़ लेकर हरिद्वार पहुंचे, क्या नाम है बोलेगा? अन्ना बोला। दिल्ली में कहाँ के रहने वाले? उस्मानपुर गाँव। बोले क्या आया मन में जो 50 के नोट की कांवड़ बना दी? बोले इससे पहले 20 के नोट की कांवड़ लाए थे, अब 50 के नोट की कांवड़ लाए तो जोड़ा हो जाएगा। अच्छा, और अगली बार? अगली बार बाबा मालिक के 100 के नोट की तैयारी करेंगे। अच्छा, तो बोले कितने नोट लगे हैं इसके अंदर? बोले 55,000 रुपए कैश लगे कांवड़ से अलग। अच्छा, कांवड़ से अलग। कैश 55,000 रुपए। अच्छा, तो कितने लोगों ने मिलाए हैं यहाँ? अकेले? नहीं, अकेले बोलेगी कांवड़। क्या नाम है उस बोलेगा? मोनू बोला। मोनू बोला। हाँ। तो वो उठा के ले जा रहे हैं। बोले कब पहुँचेंगे इसको लेकर दिल्ली? इसको 1 तारीख को पहुँच जाएंगे, शाम तक दिल्ली पहुँचना है। कहाँ चढ़ाएंगे जल? जल ब्रह्मपुरी में मुनिया मंदिर। अच्छा, तो क्या कैसा लग रहा है हरिद्वार आके? बहुत अच्छा लगता है, हर साल आते हैं बाबा की। कुछ बदलाव देखने को मिला हरिद्वार में पहले से? पहले से क्या, मार्केट के व्यवहार का थोड़ा बदलाव है बस। अच्छा, के लोगों का नेचर थोड़ा अजीब सा है, इसी चक्कर में हम अपनी सारा सामान अपने। अच्छा, यहाँ लोगों का नेचर ठीक नहीं है? अपने घर से ही सारा सामान लेके आए। अच्छा, वहीं से? सजावट का वहीं से? बहुत महंगा देते हैं। अच्छा, महंगा देते हैं। हाँ, दिल्ली में वैसे भी राजधानी सस्ता मिलता है। तो क्या कहना चाहेंगे, संदेश क्या देना चाहेंगे हरिद्वार से कांवड़ियों को? संदेश यही है भाई, सब भोलों से हाथ जोड़ के निवेदन है, अपने आराम से चले, अपने जल को राजी खुशी अपने शिवालय तक पहुंचाएं और किसी से बैर वैर ना करें, लड़ाई झगड़ा ना करें, कोई नशा पत्ती ना करें, धूम्रपान वगैरह ना करें। अच्छा, एक अब गवर्नमेंट ने, यूपी गवर्नमेंट ने भी नियम निकाला है और उत्तराखंड में भी जो है इसकी चर्चा होने लगी है। कुछ ठेली और ढाबे वाले हैं इस पर अब नाम लिखने की आ रहे हैं कि प्रोपराइटर का नाम लिखा जाएगा, पता चला है कुछ? नहीं, मतलब जो भी दुकान वाले हैं, ठेली वाले, उनको नाम लिखना पड़ेगा किस नाम की दुकान है? हाँ, होना भी चाहिए, पता होना चाहिए किस नाम से दुकान है। आदमी एक को बताने में आसानी होती है कि मैं इस दुकान पे खड़ा हूँ। अच्छा। तो आदमी एक दूसरे से पूछते पूछते बोला पहुंच जाता है। उत्तराखंड ऋषिकेश से ईशा पिरोरिया की रिपोर्ट।